अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना ए जायका चैनल। आज हम बनाएंगे पाया मरक बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही टेस्टी डिश बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए देखते हैं पाया मरक बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए पाए, बकरे के पाए, जिसको हमने गेहूं का आटा लगाकर अच्छे से 5 से 6 पानी के साथ धो लिया है ताकि उसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। पानी, प्याज कटी हुई, घी, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम, काजू का पेस्ट जिसको हमने दूध के साथ पेस्ट बना लिया, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, खड़े मसाले, दालचीनी चकला, काली मिर्ची, बोजवार का पत्ता, शाहजीरा, लौंग, इलायची, कबाब चीनी, चक्री फूल, हरा धनिया, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची। आपको हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक कुकर लेंगे, कुकर में घी डालकर उसको गरम कर लेंगे और उसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे। याद रखिए, हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्के से ही पकाना है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे और उसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छे से पका लेंगे ताकि उसकी कच्ची स्मेल चली जाए। इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें पाए डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला बना है वो अच्छे से लग जाए पायों को। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे ताकि आपके पाए अच्छे से डूब जाए इसमें। अब इसमें थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे और उसको एक उबाल आए तक पका लेंगे। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और उसको 40-45 मिनट्स तक अच्छे से पका लेंगे ताकि आपके पाए गल जाए। उसके बाद हम पायों को एक दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और काली मिर्ची पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम काजू का पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हरा मसाला डालेंगे, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची कटी हुई। फिर उसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसकी, और उसको अच्छे से पका लेंगे 15 से 20 मिनट तक। जैसे वो अच्छे से पक जाएगा उसमें हम क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको 1 से 2 मिनट तक उसको भी पका लेंगे। अब देखिए आपके पाए अच्छे से गल कर और अच्छे से टेस्ट से भरपूर पाया मरक बन गया है आपका। ये देखिए कितना अच्छे से गल गया है ये आपका पाया भी। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप पाया मरक को नान के साथ खाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। खुदा हाफिज़।